दोस्त, आज एक सवाल के साथ फिर आंसर लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। कि अगर आप लोगों ने देखे होंगे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर, जैसे भी सोशल मीडिया कोई भी हो, जैसे मतलब पब्लिकली अपना डेट ऑफ बर्थ शो करना होता है, मतलब कि उस डेट ऑफ बर्थ अपने दे रखे हैं उसको पब्लिकली शो करना होता है, तो अपने क्या करते हैं, या साल देते हैं या ऐसा कुछ, अपना डेट ऑफ बर्थ टोटली हाइड करके रखते हैं। क्यों ये सब करना चाहिए? अगर आप लोगों ने, अगर YouTube पर है या अगर आपका ईमेल आईडी पब्लिक पर चल रहा है, या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो कि वो सोशल मीडिया पे अपनी ईमेल आईडी, कोई आपको आपका ईमेल आपको भेजकर कोई काम कर रहा है, तो ईमेल हो सकता है आपका, मोबाइल नंबर से आपको कोई कांटेक्ट करके कोई आप काम कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन कोई कोर्स से लिंक करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है, फिर आपका ईमेल देना होता है। अगर यूट्यूब चैनल चला रहे तो आपको बहुत सारे ईमेल वगैरह, बहुत सारे ऐसा कुछ देना होता है। तो आपने क्यों ट्विटर अकाउंट पर, इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कि अपना क्यों हाइड करके रखना चाहिए? यानी बात करें तो क्यों अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरह से पर्सनल आईडी इस हाइड करके क्यों रखना चाहिए? तो आप लोगों को मैं सिंपल आंसर देना चाहता हूँ, जो कि मेरे को खुद से लग रहा है, क्योंकि मैंने इस तरह से सोचा तो मेरे को ये सवाल आंसर इस सवाल का आंसर यही मिला। अगर मैंने आप लोगों को मेरा डेट ऑफ बर्थ बता दिया और आपने क्या किया, मेरा ईमेल आईडी अपने क्या किया, ईमेल आईडी आपने देखा मेरा, चेक किया अपने, क्या किया तुम्हारा मोबाइल या अपना कंप्यूटर पे क्या क्या करना, लैपटॉप पे जो भी अपना पास, अपने क्या किया, मेरा नाम डाला, मतलब कि अपना जो जीमेल लॉगिन करते हैं अपना मोबाइल जीमेल पे गया, तो आपने क्या किया अपना मेरा नाम डाला, उसके बाद आपको मेरा मतलब ये अपने क्या किया जीमेल की पासवर्ड फॉरगेट करने पे गया, तो आपने क्या क्या फॉरगेट तो करना है, तो आपने क्या क्या अपना मेरा नाम डाला, अगर सोचो ABC मेरा नाम दे रखे हैं तो ABC अपने नाम डाला, उसके बाद मेरा डाला 01/01/2020 ऐसा कुछ, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी डाला। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने क्या किया पासवर्ड फॉरगेट डाल दें, पासवर्ड फॉरगेट कर दी, तो क्या होगा उसके बाद, मेरे पास बार बार नोटिफिकेशन आएगा कि मैंने अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड फॉरगेट कर रहा हूँ, तो बार बार ऐसे होने से मेरे को खुद डिस्टर्ब होगा, मैं खुद टेंशन पे आ जाऊंगी, या मेरे को बार बार ये डिस्टर्ब बहुत ही ज़्यादा होगा कि क्यों मेरा पासवर्ड ऐसे फॉरवर्ड बार बार हो रहा है। अगर आपने एक बार एक ने किया तो अगर सोचो 10 10 आदमी ने किया तो 10 बार अगर कोई कर रहा है तो आपको क्या सोचो, खुद अपने तरीके से सोचो कितना दिक्कत आएगा उसके सामने। तो उस हिसाब से आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये इसलिए हाइड करके रखना चाहिए, उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं पर्सनल वो तो नहीं करना चाहिए, और साल तो कर देते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे साल देख सकते हैं उनका ईयर दिया हुआ रहता है, लेकिन कोई डेट और कोई मंथ ये पब्लिक नहीं करते हैं। लेकिन मैं अपने तरीके से बताऊं तो कोई भी अपना पब्लिक ना करें, तो पब्लिक करके रखते हैं बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा आपको अपने, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपका तो जीमेल देना होता है, जीमेल से अपने ऑनलाइन क्या करेगा, जीमेल को कॉपी करेगा, फॉरगॉट पासवर्ड करेगा, करने के बाद आपको बहुत ही डिस्टर्ब होगा, तो इस हालात में ये ना करें, क्योंकि बहुत मैं सोचा कि इस तरह से आंसर हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है अगर आपका यूट्यूब बहुत ही बड़ा चैनल है, बहुत ही बड़ा चैनल मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर ले रखे हैं आपने, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तो अपने को ऐसा कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको बहुत इशू आएगा, तो ये हालत ना हो, ना करे कोई आपका साथ, तो मेरा साथ भी कोई ना करे। ये बहुत मतलब शॉर्ट मेंटेलिटी है जिस लोगों ने ये बात काम करते हैं, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा आंसर बता दिया कि ट्विट इंस्टाग्राम ऐसे नहीं करना चाहिए, बस इतना सा बताने के लिए मैं वीडियो बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।